आजा जेबो दरवाजा खोल मैं हूँ मुझे आ गई कैसी मुझी थी बिल्कुल ठीक अम्मी जी पता है अम्मी जी आज अब्बा मुझे जापानी गुड्डी और बहुत सारी टोपियाँ दिलाने ले जा रहा था अब्बा बोल रहा था जो मैं इसकी बात मानूंगी वो मेरे को बहुत सारे खिलौने दिलाएगा तेरे अब्बे को किसी का तो ख्याल है बीबी के नसीब तेरा ख्याल तो रखता है ना और तेरा भी बड़ा ख्याल रखता हूँ फिक्र ना कर तू तू चिड़ बड़ी चढ़ाती है गुस्सा ना चढ़ाया कर ये बता इतनी छेती कैसे आ गई है क्या आदमी तुझे लियासे की मंगनी है आज जल्दी तो आना ही था मैंने लियासे की मंगनी का मैं तो भूल ही गया था मैं तो छेती छेती दो टाइम का खाना पका के बाजी से छुट्टी लेके आ गई हूँ पाई लियास की मंगनी फिर तो बड़ा मजा आएगा पर तुम दोनों तो इसी तरह घूम रहे हो चलो ना नहाओ दो कुछ तैयारी तो पकड़ो और बता तो रहा हूँ भूल गए थे वैसे एक बात सोच रहा हूँ मीरा के दिल पे क्या गुजर रही होगी छुरियां चल रही होंगी वो इश्क मशूकी जो चल रही थी उसके लिहाजे से आंख में टक्का चल दफा कर उन दोनों को हमें क्या पड़ी उनकी कोई बात करें हाँ बात तेरी सही है इन मरासियों की क्या बात करनी दफा करो तू बस आज दुकान जरा जल्दी बंद कर ले फिर मैं तेरे कपड़े निकालती हूँ तू तैयार हो जा चल जेबू तेरे भी कपड़े निकाल लियो नहा ले नहा धो के तैयार हो जा आपा और कितना टाइम लगेगा तुझे भूख लगी है जाजे हाँ अभी तो मामा जी ने सामान लाके दिए अभी तो टाइम लगे शुक्र है कल हम शादी पे तो चले गए कुछ पैसे आ गए अब पेट भर के रोटी तो मिलेगी आपा तू इतनी चुप चुप क्यों है तू भाई लियास की मंगनी की वजह से दुखी हो रही है ना ऐसी कोई गल नहीं जाजे अच्छा बस न्योकात दिखा दे उस पर क्या दुखी होना आपा ना बुए खलोती हैं कितना इंतजार करें दी पई हैं हाँ भैया वो एक कुड़ी है टीवी पे काम करती है वड्डी अफसर है कह रही सी मेरे घर आवे की पता नहीं कितना रह गई है मामा जी बेबे सुबह से वो शहर वाली लड़की का इंतजार कर रही है बार बार जाकर बुए पर देखती है उस लड़की ने बेबे से हमारे घर का पता भी लिया है आ गई वड्डी मेम साहब आपा उन्हें भी कह दिता उसी अमीर लोग हैं साडे गरीबा लोगों के घर कितों आंदे हाँ हमको मीरा का गाना बहुत पसंद आया सी टीवी पे गवाना चाहती है उसको ता करके आवेगी ऐसा गरीबा दे घर तू देखी खबरें ना की सी उदा मिली मिली करके कहती सी मीरा को गाना गवाएगी टीवी पर देखी हला बेबे नहीं आती तो ना आए तूने भी ऐसे ही उसको पता दे दिया था घर का एको नहीं आना ये टीवी शीवी पे ना पर ते को क्या तकलीफ है जब तू टीवी पे जाके गावे है तो पता नहीं जो टीवी पर जानता तो क्या होता है सड़ जाएगी दुर्दाना भी तो होता ना मुराद पुत्र इलियासा देखो क्या पता अम्मा मेरे को नहीं जलाना किसी को और मामा आसपास कोई और शादी हो तो बताना वहां जाके भी गाना गा के आऊंगी एक शादी पे गाने से गुजारा नहीं होगा घर का और आगे से कुछ जोड़ भी लिया करेंगे ताकि इस घर पे फाकों की नौबत ना आए जेबो, हो रहा, खाला शीदा,
ਖਾ ਲੈ ਸ਼ੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਖਾਲਾ ਸ਼ੀਦਾ, ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜ਼ੇਬੋ, ਇਧਰ ਆ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ? ਇਧਰ ਆ। ਮੀਜੀ, ਆਲਾ ਸ਼ੀਦਾ ਮੁਝਸੇ ਬਾਤ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਦਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਕਿਸੀ ਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੁਝੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਮਝ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਆਲਾ ਸ਼ੀਦਾ ਔਰ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਤੋ ਮੁਝੇ। ਮੈਂ ਤੁਝਸੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਤੁਝੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਬੜੋ ਸੇ ਯਾ ਬਾਤ ਮਾਨਤੇ ਹੈਂ ਬੜੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਤੂੰ ਇਸਕੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀਆ ਬੀਬੀ ਆਈ। ਉਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੋ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਅਰਸ਼, ਦੇਖਾ, ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਤੁਮ ਸੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਗੇ। ਕਹਾ ਥਾ ਨਾ ਆਰਿਸ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਮਨੇ ਸੋਚਾ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਟ ਮੈਨਰਸ! ਔਰ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨੋ ਕੋ ਗੇਟ ਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਯੇ ਕਹਾ ਕੇ ਮੈਨਰਸ ਹੈ ਅਰਸ਼? ਅਬ ਇਸੇ ਪੀਛਾ ਛੁੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਇਸੇ? ਇਸੇ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਥਾ ਜਬ ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਬਿਸਤਰ ਸੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਅਰਸ਼ ਕੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਮੁਝੇ ਉਸਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਫ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਝੇ ਯੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਥਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਮੇ ਮੁਝਸੇ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੜੇ। ਵਾਓ, ਯੂ ਸੱਚ ਅ ਜੀਨੀਅਸ, ਆਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਰੀਲੀ ਫਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਰਸ਼। ਤੇਰੀ ਸਵੇਰ ਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਸੇ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਇਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਲ? ਨਾ ਯੇ ਜਾਤੀ ਨਾ ਯੇ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲੇ ਪੜਤੀ। ਅਰਸ਼ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮਾਨ ਲਓ ਔਰ ਮੀਰਾ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਚਲੋ। ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਵੋਂਟ ਰਿਗਰੈਟ। ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਮੀਰਾ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੂਪਿਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਤ ਕਰੋ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਅਰਸ਼, ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟੂਪਿਡ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲੋਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ आवर ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੁਮ ਛੋਟੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਕੀ ਦੋਸਤ ਹੂੰ ਅਰਸ਼, ਆਈ ਸਵੇਅਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂੰਗੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਜੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਛਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮਾਨੋ। ਇਸੇ ਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮਨਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿਮ ਖਾਓ ਯਾਰ। ਸਵੇਰ ਸੇ ਤੁਮ ਦੋਨੋ ਕੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕਰ ਹਮ ਇਸ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਨਸ ਐਂਡ ਫੋਰ ਆਲ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਤੇ? ਤੋ ਅਰਸ਼, ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਮੀਰਾ ਸੇ ਮਿਲਨੇ। ਅਰਸ਼, ਪਲੀਜ਼, ਪ੍ਰੀਟੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੀਲੀ, ਯੂ ਆਰ ਸੱਚ ਅ ਸਪੋਇਲਡ ਬ੍ਰੈਟ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਬ੍ਰੈਟ ਆਈ ਨੋ। ਜ਼ੇਬੋ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਬਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਾਰ ਪਾ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਾਨ ਸੇ। ਛੋੜ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੁਝੇ। ਪਰ ਅੱਬਾ, ਥੋੜੇ ਸੇ ਤੋ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਲਾ ਦੂੰਗੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵਾਪਸ ਆਤੀ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ? ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਔਰ ਹੱਥ ਦਬਾ ਦੂੰ। ਸਾਰੀ ਬਾਤੇ ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਾਂ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਨਹਾਣੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਚ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅੱਜ ਤੁਝੇ ਮੇਲੇ ਪੇ ਲੈ ਜਾਉ। ਮੇਲਾ? ਮੇਲਾ ਕਿਧਰ ਲਗਾ ਹੈ ਅੱਬਾ? ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਓਏ, ਬੜਾ ਸਾ ਸਮਾਨੀ ਝੂਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਸ਼ਾ ਝੂਲੇ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਲਾ। ਅੱਬਾ,
मैं आइसक्रीम खाऊंगी और झूले पर भी बैठूंगी अम्मी जी, और हम तीनों कट्ठे चलेंगे। ओए अम्मी जी को तो छोड़, तू रहने दे, अम्मी जी जाएगी तो मजा खराब करेगी हमारा, और वैसे भी तुझे खेलने नहीं देगी, कोई शय नहीं खाने देगी, मना करेगी हर चीज से। छोड़ अम्मी जी को। अम्मी जी को बताना भी नहीं है, अम्मी जी से छुपाना है। हाँ बताने की कोई लोड़ नहीं है, मैं कह दूंगा कि दुकान की चीजें लेने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है अम्मा। बड़ी अच्छी है जेबो, तो समझदार होती जा रही है। जो मैं देख रहा हूँ वो तुम भी देख रहे हो, है? ये वही लड़की है, ये मुर्गी पकड़ी लड़की हमारे बैंड में शामिल होगी। Shut up, बको मत हारिस। हाय मीरा जी, आपको दर्द है कहीं? नहीं, मैं तुम्हें सलाम कर रही थी, तुमने मुझे पहचाना? हम परसों शहनाजबाजी के घर छाती पर मिले थे। जी जी मेरे को याद है। यार लाम किधर आ गए, एक रॉक बैंड और एक मुर्गी पकड़ने वाली लड़की। मुर्गी फरन गई सी किथे बैठ की जाके, तेको तो खेडन तो फुर्सत नहीं, खाली माज को चारा पाड़ा है, ओदी खातिर खिदमत करनी, तेको होश है कि नहीं? जल्दी हो। आई बेबे, कैसी हो तुम? देखो मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा घर ढूंढ लूंगी। मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, ये है मेरा भाई हारिस और ये है अर्श। गोवा है इस घर, जब मैं ना हुआ तो किसी को होश नहीं गी, घर पुठा होया पिया, ये बालक जरा सुस्ती था मारा मरीज, चरस पी के सुता पिया। ओ बाले, ओ मीरा, आई बेबी, हम अंदर आ सकते हैं? जी जी। Tell you, what is this? Yeah, this is what we're here to do. Come on, Aris. हाँ, आवड़ी है तू, हैं? सारा दिन हमारा गर्द फिरती रहती है। देखो मक्खन चाहिदा है, घ्यो चाहिदा है, खान फुट्टा नू हर शे चाहिदी है, पर ही नहीं पता कि मज की खिदमत भी करनी होती है। चल बेबे, देख तो कौन है? क्या देखा, सारा दिन तेको काम तो है कोई नहीं, यही नहीं कि बाप दे बाद कोई काम संभाल लवे। हाय हाय मिली बेबी। वालेकुम। वालेकुम सलाम है। क्या हुआ, मेरे को पहले बताया होता तो आ रहे हैं। क्या हाल है? मैंने आपको बताया था ना कि हम आ रहे हैं। आई होप हम गलत वक्त पर नहीं आए। नहीं नहीं माशाल्लाह बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। आजो 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 वे बाले, जाजे जल्दी आओ, वे मेहमान आए, आजो अंदर आजो, माशाल्लाह जल्दी जल्दी मेहमान आए ने, हूं किधर बैठन की जगह दे। आजो अपना ही घर समझो। आजो आजो, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह, बैठो जी बैठो। किन जोकर्स के घर ले आई हूँ मिली, और ये औरत कितना ऊंचा बोलती है। चुप कर, मुंह मत बना और स्माइल करो। अच्छा तू कादली खड़ी है, जा जाके वो सतू लेके आते, ये विच शक्कर ते बर्फ बहुत ही पावी, जा जल्दी हो जा। शाबाश। अजी अपना ही घर समझो जी। देखिए जी, वो किसी वो तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मीरा के गाना सुन रहे हैं। हाँ क्यों, मिली बेबी ये कौन है थोड़े नाल? आप मुझे प्लीज सिर्फ मिली कहा करें। ये हारिस है और ये अर्श है, हम तीनों मिलकर गाने बनाते हैं। हला हला, पर तू सिमुंडिया दे नाल काम कर दियो। चलो कोई बात नहीं, शहर के लोगों की मर्जी है, जिधर मर्जी काम कर, तो टीवी पे काम कर दियो तुसी। मेरी बात समझी नहीं, हम तीनों मिलकर गाने बनाते हैं और गाते हैं, मैं दोनों को मीरा का गाना सुनाने लाई हूँ। हाँ हाँ, मीरा तक को गाना सुनावेगी, बहुत अच्छा गांधी मेरी बच्ची, वैसे तो मैं भी बहुत अच्छा गानी हूँ, पर मीरा मेरे से भी अच्छा गांधी है, तुसी देखना। टीवी तो ले जाएंगी ना उनको? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर जी। यार हमारा खुद का गाना कंफर्म नहीं, पता नहीं किस किस से कमिटमेंट्स कर रही है। थैंक यू, थैंक यू।
No, thanks. Arsh, ले लो, बुरी बात है. तुम ही पियो यार unhygienic drink. I'm sure she didn't even wash her hands. नहीं पीड़ा ना पी. मैं भी कोई मरी नहीं जा रही. फट्टा है अंग्रेज का पुत्र. अच्छा जिस काम आया वो कर ले प्लीज. क्या हम मीरा साहिबा का गाना सुन सकते हैं? हाँ हाँ तो कोई हो जो गाना सुनावेगी थोड़ा जी खुश हो जाएगा है. जब वाले ढोलकी लेके आ तो तू भी मामे के साथ जा जाजे. हाँ दफ लेके आ ये बहुत अच्छी बजाता है साडे नाल संगत करें दा ज्यादा सी गाने ना. हाँ यार ये औरत कितना बोलती है यार. चल मीरा गाना शुरू कर. गाना मीरा क्यों नहीं गांदी? साड़ी मीरा थोड़ी जी शर्मीली है ते. नहीं नहीं इवें करदा पिया गाना गावेगी. मीरा गाना क्यों नहीं सुनांदी पई? चल गाना गा सुन दे के जुत्ती लावा. चल चल दियो नखरे ना कर. चल फिर बन जा. देखना कैसा गावेगी माशाल्लाह. एक सेकंड प्लीज. खाली मीरा की आवाज सुन सकते हैं हमारे लिए विदाउट एनी म्यूजिक? एक्चुअली अर्श कह रहा है कि ढोलकी के बगैर हम मीरा की आवाज सुनना चाहते हैं. हाँ हाँ मीरा को कोई मसला नहीं है. भावे कोई साज होवे ना होवे मीरा तो गा ही लेंदी है. चल शावर शुरू है गावी. अभी गा दिए गा रही है. तेरे नाल प्यार होया दिल पे करार होया. तेरे नाल प्यार होया दिल पे करार होया. तेरे नाल प्यार निभावण मैं आना है. सजना वे सजना मैं तेरे कोल आना. सजना वे सजना वे सब कुछ छोड़ के मैं आना है. सजना वे सजना मैं तेरे कोल आना. हाय सजना वे सब कुछ छोड़ के मैं आना है. सजना वाओ अमेजिंग मीरा दैट वाज ब्यूटीफुल. मीरा ने किवें दा गाना गाया जी हैं? ले एक पूछण वाली बात है उंदा गाना किसी को बुरा लगदा कदी? सोना गांदी है मेरी बच्ची माशाल्लाह है. बहुत अच्छा गाती है मीरा. मैं तो पहले से ही मीरा की फैन थी. अच्छा मीरा का गाना सुन लिया मैं चलना चाहिए जी. हाँ ठहर जाओ ये रोटी शोटी खा दी बगैर मैं तो नहीं जाऊंगी. नहीं नहीं बहुत शुक्रिया. थैंक यू मिली. अब ये वेटिंग आउटसाइड चला रही है. थैंक यू जी. थैंक यू जी. थैंक यू. खुदा हाफिज. मिली आ रही हूँ. आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? कॉटन के कपड़े चाहिए थे मेरे हैं मेरे पास. नहीं नहीं फोन नंबर मोबाइल फोन. मोबाइल जी. हाँ नंबर है. क्या नंबर है? हाँ मेरे को है ना जाजे नंबर की अपना लिखो जी. 0 3 22 22 2 2 हको की आप 49 4 9 बस ठीक है. थैंक यू. तो मैं आपको 2-3 दिनों में फोन करूंगी. मैंने आपसे पूछना था कि मीरा लाहौर आ सकेगी. मीरा तो कल किते भी नहीं जानती. मेरे साथ आ जाएगी लाहौर. हाँ आवेगी. टीवी पे काम कराएगी ना? जी जी हमारा बैन ऑडिशन पे जा रहा है टीवी पर. ठीक था तू बड़ी मुश्किल बातें करती. अंग्रेजी बोल. नहीं मेरा मैं समझ नहीं आ रही. सॉरी यश का कॉल आ रहा है बार बार. मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी. ठीक है ठीक है. रोटी खिलाती बाजरे की मच्छी खिलाती है. अगली दफा जरूर. साग भी है सच्ची. जी बिल्कुल अगली दफा प्रॉमिस. चल फिर मर्जी है. बहुत शुक्रिया. फिर तेरे को छोड़ के आवा. अल्लाह हाफिज़. आजा वे उरे आ तू भी आ. क्या हो गया? आ तो गई हूँ मैं. बहुत मेहरबानी आपकी. चिपक के बैठ गई हो तुम यार. कब से वेट कर रहे हैं? मैं तुम्हारी तरह रूड और इल मैनर्ड नहीं हूँ. मैं प्रॉपरली बाय कहकर आई हूँ. अच्छा किया बिकॉज़ ये तुम्हारा इन लोगों को आखिरी बाय है. व्हाई यू बीइंग सो मीन? कम से कम इतना तो एडमिट कर दो कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है. और मीरा पंजाबी में गालियां भी बड़ी अच्छी देती है. अर्श की सही धुलाई की उसने. आई मीन है बड़ी ब्रेव लड़की. हमारे इस हीरो से डरी भी नहीं है एक सेकंड के लिए. तुम्हें बढ़िया सी आ रही. भी था क्या मुर्गियां गाय घर था कि जू था? अच्छा इस बात को छोड़ो मुझे बताओ तुम्हें इसकी आवाज कैसी लगी?
मुझे उसकी आवाज का नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी माँ बहुत इरिटेटिंग लगी है। कितना ऊंचा बोलती है औरत, और कितना बोलती है ये औरत। और तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम्हारी शक्ल देखी थी जब वो गा रही थी, यू वर लविंग एवरी सेकंड ऑफ इट। आज झूठ मत बोलो, बताओ पसंद आया ना उसका गाना? ओके, बहुत पसंद आई थी मुझे। देखा, पता था मुझे। लेकिन मिली, हम दोनों तुम्हारे साथ लाहौर से इतनी दूर चल के तो आ गए, लेकिन ये लड़की हमारे बैंड का हिस्सा नहीं बन सकती, और अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। मिली, यार सही कह रहा है, आई मीन वो जितनी टैलेंटेड भी हो, वो हमारे बैंड में शामिल नहीं हो सकती। आई थिंक वी शुड गो। लेट्स गो। बड़ी खुश हूं मैं। अपनी मीरा अब टीवी पे गाना गावेगी, है? क्या बात है? अम्मा मेरे को नहीं जाना टीवी पे। लड़की मिली का फोन आया ना तो उसको मना कर दे। पागल हुई है? चुप कर। देखो क्या पता? ये मेरा कर। अम्मा वो बड़े लोग हैं। मारा उनसे क्या जोर? और वो लंबे बालों वाला लड़का देखा था? उसके नखरे देखे थे? मिली के साथ अंग्रेजी में गिट मिट मेरी बुराइयां कर रहा था। लाड साहब कहीं को। देखो उन्हें बाला ना क्या? देखो मिली ने पसंद किया है, बस तू उसकी परवाह कर, बाकी छोड़, इवें नखरे ना कर। गल तो ठीक ही कह रही। उस लड़के के बाल मुझे भी पसंद नहीं आया पा, और वो दूसरे लड़के के बाजू देखे थे, पता नहीं क्या फूटी सीधी चीजें बनाई हुई। और लड़की, उसके कपड़े देखे थे, लड़कों वाले कपड़े पहन के आई हुई। सच्ची में बेबे, मैं को भी और लड़की ते दोनों मुंडे अजीब लगे। तू तो चुप कर जाजे, ते को क्या पता? तू सा सब जाहल हो, ताको क्या पता शेरी लोग की में रहंदे हैं, उही हो जे कपड़े ही पांदे हैं। पर देखी जब साड़ी मीरा उन्हां दे विच बैठेगी ना, इंदिया टोरा ही होर होनिया ने। बेबे तुझे पता है वो इन्नी वड्डी गाड़ी में आए थे? हाँ पुत, वड्डे लोग ते वड्डिया गड्डिया विच आंदे हैं, साड़ी मीरा भी उन्हां दे नाल वड्डिया वड्डिया गड्डिया च फिरेगी, टीवी ते गाना गावेगी। ते तू देखी जेड़े सड़न वाले ने ना, उन्हां दे सीने दे उत्ते सप लोटणगे, किड्डा मजा आवेगा मेरे को। अम्मा वो जिन्ने भी वड्डे लोग हैं, मेरे को नहीं आना टीवी पे। तू जिस शादी में बोलेगी ना मैं गाना गा लूंगी, पर मेरे को वो वड्डे लोगों के शहर नहीं जाना। पागल हुई है? तेको पता नहीं तेको क्या लग गया, कितना तरस दे सा मैं, दमा जैसा को कोई रेडियो से बुला लवे, कभी चानस ही नहीं मिलिया। ते तू तो टीवी ते गाने वाली है, मशहूर होने वाली है, ते में गल्ला बनांदी पई है। पर तू फिक्र क्यों करनी है, मैं तेको कोई कल्ला तो नहीं भेज रही लाहौर, मैं आप तेरे नाल जावांगी। घबरा ना, बस खुश हो, है? आज तो थक गए यार, इतनी लॉन्ग ड्राइव करके। सीरियसली यार, ज्यादा वक्त तुमने ड्राइव की थी, फिर भी मैं बैठे बैठे थक गया। ये मिली का? पता नहीं यार, जब से वापस आई है वो बहुत खामोश है। उसको खामोश ही रहने दो यार। वैसे आई सीरियसली डाउट कि उसने हमारी बात इतनी आराम से मान ली। डिड यू सी हर, वो किस तरह पागल हुई हुई थी उस लड़की की आवाज के पीछे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिली बात कर रही हूँ लाहौर से। आप मेरी मीरा या शीदा साहिबा से बात करा सकते हैं प्लीज? जासी, चल तुझे बेबे बुला रही हूँ। हाँ हाँ चल लो। बाजी मीरा। ज़ेबो, कैसी है तू? अच्छी हूँ बाजी मीरा, आज बड़े दिनों के बाद तू मुझे मिली है। पता नहीं अम्मी जी को क्या हो गया, वो तो मुझे तेरे घर भी नहीं आने देती। क्या कोई बात हुई है बाजी मीरा? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। तू वड्डी हो गई है ना, इसलिए खाला तुझे इधर जाने से मना करती है। ये क्या बात हुई? मेरा तो बड़ा दिल चाहता है तेरे घर आने का, तेरे हाथ की चूरी खाने का, मेरा बहुत दिल करता है बाजी मीरा। जरूर खिलाऊंगी मैं तुझे अपने हाथ की चूरी। ओ मीरा, मीरा जल्दी आ, मिली ना फोन आया है नहीं। आई बेबे, जा से चल, जल्दी उठ। आया पापा। ना ख्याल रखना।
हारिश, मिली पे नजर रख, यू नेवर नो विद हर, कुछ भी कर सकती है, आई एम टेलिंग यू। यार अब तो तुम मुझे डरा रहे हो, मिली और इतनी आसानी से किसी का पीछा छोड़ दे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एग्जैक्टली, वो कभी इतनी आराम से किसी की बात नहीं मानती। चल यार फोन छोड़, उसको देख कर आते हैं, हम पढ़ने बैठे थे आगे। छोड़ ना यार बस, चल। ठीक है, एक मिनट, छेतिया छेतिया मीरा, जल्दी ना ला। हाँ बेबे। मोबाइल पर मिली मिली का फोन है, पता लिखा दिया अपना। चल तू कागज पेंसिल लेके आ जल्दी से, जल्दी बात करना। हेलो, हाय मीरा, कैसी हो? जी ठीक। अच्छा मैंने तुम्हें अपना एड्रेस देने के लिए फोन किया है, नोट कर लो। जी अच्छा। 58B जी, मॉडल टाउन लाहौर। जी लिख लिया। ला मेरे को दे मोबाइल, मेरे को दे ना दे। हाँ जी लिख लिया, मेरा पढ़ी लिखी है ना, 8वीं पास, अंग्रेजी उर्दू सब आती है मेरी धी को। जी मैंने अपना फोन नंबर भी लिखवा दिया मीरा को, अब मेरा पता और फोन नंबर दोनों आपके पास है। अगर आप लाहौर आए और मीरा को घर ना मिले तो आप मुझे फोन कर दें और मैं ड्राइवर आपके पास भेज दूंगी। आप मुझे बता सकते हैं कि मीरा कब तक लाहौर आ सकती है? ओ जी तुसी बेफिक्र हो जाओ, मीरा कल लाहौर हो सी, तुसी फिक्र ही ना करो, असी मामा धियां दोवें सुबह दी गड्डी ते बैठ जावांगे ते पहुंच जावांगे तुहाडे घर। ठीक है? हां ऑफ ग्रेट, थैंक यू सो मच, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अच्छा है, रब रखा। तुम लोग पढ़ नहीं रहे थे? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं, मुझे कुछ काम को मिली। हमसे बात किए बगैर तुम यहाँ से जा नहीं सकती। तो कर लो बात, मैं मीरा से बात कर रही थी जो तुम दोनों ने छुप कर सुन ली है। किसकी इजाजत से तुमने उसको फोन किया? जब आज उसके घर से वापस आते हुए ये बात डिसाइड हो गई थी कि उस लड़की का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया, व्हाई डिड यू कॉल हर? क्योंकि मैं तुम दोनों की तरह इतनी बड़ी लूजर नहीं हूँ। वंस इन अ लाइफ टाइम चांस मिला है हमें, मैं इस चांस को किस तरह लेट गो करूं? और हमें एक खूबसूरत गाने वाली वोकलिस्ट मिल गई है जो हमारे साथ गाना चाहती है, क्यों ना हम उसे ऑडिशन पर लेके जाएं? मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे तुम्हारे साथ उस लड़की के घर ही नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअली फॉल्ट मेरा है, गलती मेरी है, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी कोई बात मानी जाए। यू नो व्हाट, जो दिल में आता है करो, जिसको बुलाना है बुलाओ, आई डोंट केयर। यार तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। मैं ये बैंड छोड़कर जा रहा हूं, अगर फरवा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो मेरे जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रो वेट यार प्लीज, यार यू रियली अनबिलीवेबल मिली यार, अब जाओ बनाओ उससे, गो। गॉड अर्श, अर्श वेट यार, मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है? अर्श अर्श, मैं मानती हूँ कि मुझे तुम दोनों से पूछना चाहिए था मीरा को बुलाने से पहले, बट इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, मैं इसे नहीं जाने दे सकती। हम इतने लकी हैं कि हमें इतनी अमेजिंग सिंगर इतनी आसानी से मिल गई है, आई मीन शी इज रियली रियली गिफ्टेड, उसमें इतना टैलेंट है, हम तीनों से ज्यादा वो टैलेंटेड है। और शायद मैंने उसे यहाँ बुला कर गलती की, बट अब तो मैंने बुला लिया है ना, तो एटलीस्ट ट्राई एंड सपोर्ट मी। क्या हो रहा है भाई, लगता है कोई गर्मा गर्म बहस चल रही है। अरे तुम तीनों कहीं लड़ तो नहीं रहे है? नहीं नहीं अंकल, हम लड़ नहीं रहे, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है आप और आंटी सही वक्त पे घर आए। ये जो हमारी मिली मैडम है ना, इनका दिमाग खराब हो गया, आप इसके साथ प्लीज वही सलूक कीजिए जो फरवा की मॉम ने उसके साथ किया है। उन्होंने तो सिर्फ कराची भेजा है, जो हमारी मिली की हालत है, आप इसको कम से कम पाकिस्तान से बाहर तो जरूर भेजिए। That's not fair, ये क्या तरीका है बदला लेने का? Why are you being so mean to me? भई ये सब हो क्या रहा है? तुम तीनों में से कोई हमें आसान अल्फाज में बताएगा? आपको मिली खुद बताएगी आंटी। मिली आंटी को बताओ कल यहाँ कौन रहने आ रहा है। क्यों मिली,
तुमने कोई गड़बड़ की है? नहीं मामा। एक्चुअली मामा, मिली ने आपसे इजाजत लिए बगैर एक अनजान लड़की को हमारे घर इनवाइट कर चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो हमारे बैंड में फरवा की जगह लेगी। मामा ये दोनों इतने बुरे लफ्जों में आपको सब चीजें बता रहे हैं। आप उसे मिली हुई हैं। याद है जो शहनाज आंटी की बेटी की शादी पर गाने गा रही थी? अब आप मुझे बताएं, शहनाज आंटी अपनी बेटी की शादी पर कोई ऐसे गलत लोगों को बुलाएंगी? उसकी फैमिली इतनी सिंपल है और इतनी अमेजिंग है मामा। यहाँ मैं ये ऐड करता चलूं आंटी कि ये जो सिंपल और भोली भाली मीरा है, ये पेंडूपन और गवारपन का एक स्पेशल केस है। इनफैक्ट जब हम उसे पहली दफा मिले थे तो शी वाज रनिंग आफ्टर दीज मुर्गीज। हाँ, और कल जब वो लड़की अपनी लाउड किस्म की अम्मी के साथ आएंगी ना, हू नोस, वो दोनों अपनी मुर्गियां भी साथ ले आए। चुप कर जाओ तुम दोनों। मामा मैं मानती हूँ कि मीरा एक बिल्कुल देहाती फैमिली से है, बट शी इज अ रियली नाइस एंड स्वीट गर्ल। और इस नाइस और स्वीट लड़की से ये जिंदगी में सिर्फ दो दफा मिली है। देखते हैं। हाय शुक्र है रब दा, सब कुछ चंगा चंगा हो गया है। मेरे तो खुशी ना पैर ही जमीन से नहीं टिकते पाए। आपा तू ते मीरा कल कल्ले कल्ले लाहौर जाओगे, अब मेरा मतलब है के उथे कोई परेशानी ते ना थी सी? ले परेशानी कैसी, लाहौर केड़ा दूर है, ये 4-5 घंटे छसी पहुंच जावांगे। तू साकु सवेरे दी गड्डी ते चढ़ा दे। बेबे जाना जरूरी है, मना नहीं कर सकती। चुप कर जा, ना शुक्री ना होवे ता, शुक्र नहीं कर दी ते को अल्लाह ने एहो जा मौका दिता है। बेबे तुम दोनों वापस कब आओगे? ए पुत्र देखे ना, हुन मीरा साड़े नाल जाएगी, उथा जाके टीवी ते गाना गाएगी, जदों काम मुक जावेगा असि दोवें मामा दियां वापस आ जावांगे। बेबे मैं तेरे और आपा मीरा के बगैर रहूंगा कैसे? चल हुन तेरा छुन्ना काका ना बन, तेरा मामा है ना तेरे पास। वैसे देख ना तू सोच जरा, मीरा तेरी बहन टीवी पे गावेगी, मशहूर हो जावेगी, तेको भी तो अच्छा लगेगा है? चंगा ते बहुत लगेगा बेबे। मामा प्लीज इन दोनों की कोई बात ना सुने। आपने तो हमेशा इक्वालिटी की बात की है, आपने तो मुझे सिखाया कि हर इंसान बराबर होता है, तो अगर मीरा के पास पैसे नहीं है क्या इसका मतलब है कि वो इंसान नहीं है? मामा प्लीज आप इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल ना आइएगा, इसे हर हाल में अपनी बात मनवानी होती है, बाय हुक और बाय क्रूक। तुम तो चुप करो वरना मैं तुम्हें। ओहो ओके ओके, तुम दोनों लड़ो तो मत। वैसे मिली तुम्हें किसी अनजान को घर में बुलाने से पहले एटलीस्ट मुझसे या अपने पापा से परमिशन तो लेनी चाहिए थी। तुमने कह ही दिया है तो कुछ नहीं हो सकता। मामा मतलब आप मीरा का यहाँ आना अलाउ कर रही हैं? थैंक यू सो मच मामा, यू आर द बेस्ट। नहीं अभी थैंक यू की जरूरत नहीं है, पहले मैं उस लड़की को देखूंगी, उससे बात करूंगी और अगर वो मुझे ठीक लगी तो फिर मैं उसे यहाँ रुकने दूंगी, अदरवाइज तुम्हें उसे यहाँ से भेजना पड़ेगा। अब ऐसे किसी अनजान को हम घर में नहीं ठहरा सकते। I think your mama is right. और बेटा देखो इस तरह किसी पे blind trust नहीं कर सकते और आजकल के जमाने में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है मामा, आप मीरा से मिल लें और फिर आप जो भी decide करेंगी ना मैं वो करूँगी। I think that's fair enough. मगर मुझे पता है कि आपको मीरा बहुत पसंद आएगी, इन दोनों की negative बातों के बावजूद you will love her mama, I promise. बेबे इसमें क्या ले जा रही है? पंजीरे है पंजीरी, जब किसी के घर पहली बार जाइए तो खाली हाथ नहीं जाइदा, मीठी शय लेके जानी होती है। आपा मैं को भी ले जामदी ना, बहुत मजा आमदा, मैं तेरे नाल ढोलकी बजामदा। बेबे मैं को भी चल, मैं बाजा ते बजा ही लेंदा। ताको दोवा को मैं अगली बार ले जासा, सबको तो जा लेन दियो। छो दे चुप कर जा, से अंगना कर, चल हुन जल्दी करो गड्डी ना निकल जावे। चल चलो चलो जल्दी करो, शुक्र है कि रोड से बस छेती मिल जासी, नहीं तो बहुत चलना पैंदा सी। ही काला कुत्ता मनुष में को कादे ने दिशा नजर आ गया, कि तो जान लगे थे मनुष की शक्ल नजर आ गई है मेरे को। अब्बा इन्हें सौरे ने एक स्कूटर लेके दी है,
ਆਕੜ ਚਵੇ ਹੀ ਦੀ ਹਾਂ ਇੰਜ ਬੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾ ਦਫਾ ਕਰ ਰਸਤਾ ਖੋਟਾ ਨਾ ਕਰ ਚਲ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆੜਾ